हरियाणा के फरीदाबाद में मेडिकल स्टोर के मालिक को एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला मेडिकल स्टोर पर दवा लेने आई थी। इस दौरान उसकी मेडिकल स्टोर संचालक से दवा को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद महिला ने दुकान पर घुसकर मेडिकल स्टोर संचालक के साथ हाथापाई की और उसे एक थप्पड़ भी रसीद कर डाला। पिटाई की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टोर संचालक ने अब अपनी शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडिकल स्टोर संचालक का आरोप है कि महिला एक दिन पहले भी उसकी दुकान पर कुछ दवाई लेने आई थी, जो उनके पास नहीं थी। अगले दिन महिला फिर दुकान पर दवाई लेने पहुंची और इसी दौरान उसने अभद्रता करने लगी और दुकान के अंदर घुसकर उनके साथ मारपीट कर डाली, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत मिली है और वह मामले की जांच कर रहे हैं। सारी वीडियो बना ले। भाई लेडीज के नाम पे फायदा उठा रही है। अरे लेडीज पहले उठ कर तुम बाहर आ जाओ, सब रे अंदर ही होगे। टीवी फेंक के गई। अब देखो ये देखो, मैं उसको कह रहा हूँ कर बेटा, जिधर से खुले दे देना। मैं किसी को फोन निकाल देखो, ये मैं गलत हूँ या मैं कहाँ गलत हूँ? अंदर घुस गया काउंटर। हाँ जी, अंदर घुस के मारा है उसने मुझे। एक मिनट, मेरा नाम रवि यादव है और मैं जनता मेडिको चलाता हूँ। रवि जी, रात एक मामला सामने आया था, एक महिला ने आरोप लगाया है, आपने उससे बदतमीजी से बात करी है, छेड़छाड़ की है, क्या सारा मामला? सारा मामला ये है जी, परसों रात को वो दवाई वगैरह लेने आई थी हमारे पास, तो दवाई थी नहीं। फिर वो कल दोबारा आई तो हमने वो कल दवाई मिली नहीं थी हमें मार्केट में, फिर हमने उसको कहा कि आप कहीं और से ले लो, तो फिर उसने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और उसने कहा कि दुकान किस लिए खोल रखे हो, माँ बहन सब तरह की जो भी गालियाँ उसको दी गई वो उसने गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि जी चार लोग चार कस्टमर खड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है मैडम, गाली मत दो आप। फिर वो जा रही थी, जाते जाते क्या कर लेगा और ये वो मेरा वो है LCD है, उसने वो उठा के फेंका। उसके बाद वो अंदर घुस के और मुझे थप्पड़ मारा उसने, अंदर आके मुझे थप्पड़ मारा उसने। ये मामला है सारा। साफ तौर पर कहा था सबसे पहले मैं जाकर के कॉलेज में खड़ी हुई थी तो मेरे से इस तरीके की बात की, उसके बाद मुझे गुस्सा आया, तब जाकर के मैंने ये सारे हरकत की। बिल्कुल नहीं जी, आप बिल्कुल फुटेज है मेरे पास, सारी चीज़ें हैं। हम अपना काम कर रहे थे, चार कस्टमर और खड़े थे, उनको हम डील कर रहे थे, ये साइड में खड़ी थी, इनसे हमारी कोई कितने, ये बार बार कह रही है दवाई देगा नहीं देगा, मैं अब ये है वो गाली हर बात पे गाली दे रही थी हर बात पे। तो इस सारे झगड़े के बीच आपने कहीं कोई पुलिस को सूचना की थी कि इस तरीके? बिल्कुल, मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया, पुलिस आई थी और उनके सामने के साथ सारी बात है, पुलिस भी यहाँ खड़ी थी, उनके सामने भी ये मतलब 10-15 लड़के भी ये बुला लिए बाद में और मारपीट करने की कोशिश की, मेरी दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन और भी हमारे साथ दो स्टाफ वगैरह थे, उन्होंने घुसने नहीं दिया, लेकिन बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा कर लिया था इन्होंने। ये बात, इस बीच कोई नुकसान आपकी दुकान में कोई? अरे बराबर में रेस्टोरेंट है, तोड़फोड़ यहाँ करने की कोशिश की है, और यहाँ का मैनेजर है उसको मारने की कोशिश की है, ठीक है, जो भी यहाँ पे चाकू छुरा जो भी होता है यहाँ उठा के, कंप्लेन दे के आया हूँ जी चौकी में, भगत सिंह कॉलोनी में अपनी चौकी लगती है, वहाँ दे के आया हूँ मैं। एक महिला सहना खान नाम की महिला एक जनता मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के लिए आई है, उनकी दवाई के ऊपर एक जनता मेडिकल स्टोर से कुछ कहा सुनी हुई है, दोनों ने दरख्वास्त दी हुई है, जनता मेडिकल स्टोर ने और सहना खान लेडीज ने दरख्वास्त दी हुई है, दोनों की अभी तस्दीक हो रही है और दवाई के ऊपर ही झगड़ा हुआ है, कोई अभी इंक्वायरी की जा रही है। इधर सब CCTV में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, दवाई खरीदने आई महिला और अंदर उस काउंटर के अंदर घुसकर उसने मारपीट करनी शुरू कर दी, तो क्या CCTV पुलिस को मिल गए हैं? अभी CCTV फुटेज अभी पुलिस को नहीं मिले हैं और ना ही अभी कोई ऑपरेटर वहां मिला है, अभी ऑपरेटर आएगा उसके बाद दिखेगा। ये माना जाए कि जाँच चल रही है? अभी जाँच चल रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।